अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी के ऑनलाइन लेक्चर्स, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसी में से जो लास्ट वाला टॉपिक था जो कि सिलेबस का हिस्सा है, वो है हमारे पास एंट्रोपी। स्टूडेंट्स बेसिकली एंट्रोपी है क्या हमारे पास? एंट्रोपी इज़ अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी which can measure the degree of disorder or randomness in a system. देखिएगा, when the temperature of the universe increases, how it can affect the entropy of a system. How the entropy of a system is changed with the emission or absorption of heat. अगर energy release हो रही है या energy absorb हो रही है तो उसके बिना पर entropy में क्या फ़र्क आएगा? तो temperature के change होने से, heat के बढ़ने से या हीट के कम होने से जो सिस्टम में बिगाड़ आता है उसको हम कहते हैं एंट्रोपी। तो बेसिकली एंट्रोपी क्या है हमारे पास? एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी विच मेजर द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन अ सिस्टम। सिस्टम में जो डिसऑर्डरनेस है या जो रैंडमनेस है बिकॉज ऑफ हीट और बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, इट इज़ नोन एज द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम। सो एंट्रोपी बेसिकली या थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टी, ये जो है हमारे पास ये थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हुआ? थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टी विच मेजर द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस एंड रैंडमनेस इन अ सिस्टम, इट्स नोन एज एंट्रोपी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, और हमारे पास स्टेट फंक्शन वो है जिसकी इनिशियल स्टेट की भी कुछ वैल्यू हो और फाइनल स्टेट की भी वैल्यू हो। मतलब एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन बिकॉज इट हैज़ अ सम वैल्यू ऑफ इनिशियल स्टेट एंड सम वैल्यू ऑफ अ फाइनल स्टेट, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम, बट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। दैट्स वाई एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। अब यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है कि बेसिकली एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिसऑर्डरनेस। जितना डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगी, एंट्रोपी भी सिस्टम की उतनी ही ज़्यादा होगी। द मोर डिसऑर्डर विल बी द सिस्टम, जितना सिस्टम ज़्यादा डिसऑर्डरनेस वाला होगा उतनी एंट्रोपी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। बिकॉज डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस हैव अ डायरेक्ट रिलेशन विद एंट्रोपी। फिर उसके बाद हमने ये पॉइंट डिस्कस करना है कि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। अब एंट्रोपी स्टेट फंक्शन क्यों है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, बट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। सो लाइक इंटरनल एनर्जी एंड लाइक एंथैल्पी, इट्स अ स्टेट फंक्शन। एंड अदर थिंग इज द वैल्यू ऑफ अ एंट्रोपी इज अ फिनिट एंड सिंगल। इसकी जो ये फिनिट वैल्यू रखता है, ये फिनिट फंक्शन है, इन्फिनिट नहीं है। उसके अलावा सिंगल वैल्यू फंक्शन है और ये कॉन्टिन्यूस है। मतलब तीन बातें आप बताएंगे कि एंट्रोपी इज अ कॉन्टिन्यूस प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, सिंगल वैल्यूड प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, एंड ऑल्सो इट हैज़ अ फिनिट प्रॉपर्टी, इट हैज़ अ फिनिट वैल्यू। इसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिट तो नहीं होगी लेकिन फाइनिट होगी। और उसके बाद एक बात जो मैं यहाँ पर एक और लिखी है मैंने कि लाइक इंटरनल इनर्जी एंड लाइक एंथैल्पी, एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। और हमने इसी चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि टू प्रॉपर्टीज हैं, एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो है हमारे पास द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन मास। वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है वो होती है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। और अगर आपने सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली विद टेम्परेचर। आपने क्या लेना है, इंटीग्रेशन का साइन लेना है। ये आपके पास इनिशियल स्टेट है, ऊपर आपके पास क्या है, फाइनल स्टेट है। और यहाँ पे मैंने लिखा डी क्यू रिवर्सिबल, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। आपने क्या किया, जस्ट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, आपके पास डी क्यू रिवर्सिबल क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब एंड डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। और आपने इसको किस पे डिवाइड कर दिया, टेम्परेचर पे। बाद में जो हमारा डेरिवेटिव का साइन था उसको हमने इंटीग्रेशन के साथ क्या कर दिया, कैंसिल, या जस्ट हमने क्या किया, वैल्यूज़ को पुट कर दिया। और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एंट्रोपी, एंट्रोपी की डेफिनेशन,
उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ये स्टेट फंक्शन है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है सिस्टम की, ये फाइनेट है, ये कॉन्टीन्यूअस है। अब स्टूडेंट्स अगर हम फेज को चेंज कर दें, इफ़ वी कैन चेंज द फेज, मतलब आप किसी शायद सॉलिड है उसको लिक्विड बनाएं, लिक्विड से वेपर्स बनाएं, या आपके पास लिक्विड है आप उससे वेपर्स बनाएं, या आपके पास वेपर्स हैं आप उनको कंडेंस करके लिक्विड बनाएं, तो यहाँ पे जो चेंजिंग आ रही है वो फेज में आ रही है। फेज का मतलब है चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, आप जस्ट हालत को बदल रहे हैं। जस्ट वी मे हैव टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इन विच अ स्टेट मीन्स a liquid is converted into a solid or a gas is converted into a liquid and then into a solid। और अगर वैसे कहेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास सॉलिड कन्वर्टेड इंटू लिक्विड एंड लिक्विड इज कन्वर्टेड इंटू गैस। तो इसमें क्या फ़र्क आएगा अगर आप ऐसा करते हैं, फेज को चेंज करते हैं, तो इसमें इंट्रॉपी पे क्या असर होगा? तो मैंने पहला पॉइंट ये लिखा है स्टूडेंट्स हमारे पास कि इंट्रॉपी चेंज फॉर अ फेज ट्रांजिशन, कि अगर आप फेज को चेंज कर रहे हैं तो इंट्रोपी में पर उसका क्या असर होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कुछ प्रोसेस हैं लाइक फ्यूजन, सबलिमेशन एंड वेपराइजेशन। हमारे पास फ्यूजन क्या होता है कि जस्ट आपने लिक्विड है और उसको मेल्ट करना है, लिक्विड को स्टूडेंट्स क्या करना है, मेल्ट। तो याद रखिएगा यहां पर मैं बता देता हूं कि आपके पास क्या होता है लिक्विड और आप उसको क्या करते हैं, मेल्ट। इसको हम कह देते हैं फ्यूजन, द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड नहीं सॉलिड। आपने आपके पास सॉलिड होता है और उसको सॉलिड को मेल्ट करना है। स्टूडेंट्स अगेन बता दूं, फ्यूजन में आपने सॉलिड को क्या करना है, मेल्ट, और मेल्ट करके उसका लिक्विड बनाना है। वहां पे जो इंथैल्पी में चेंजिंग आ रही है उसे कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज द इंथैल्पी चेंज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब, द इंथैल्पी चेंज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन वन मोल ऑफ अ सॉलिड इज मेल्ट एंड चेंज इंटू अ लिक्विड। जब आप एक मोल सॉलिड को क्या करेंगे, मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, इसे कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन टेक्स प्लेस एट मेल्टिंग पॉइंट। सबलिमेशन में हम क्या करते हैं कि जस्ट अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इंटू अ लिक्विड, कि आप सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वेपर्स में, विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट। स्टूडेंट फ्यूजन में आपने सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड बनाना है और सबलिमेशन में आपने सॉलिड से क्या बनाने हैं, वेपर्स, और इसको हम कहते हैं सबलिमेशन। और ये जो सबलिमेशन है ये सबलिमेशन पॉइंट पर जाकर होती है। और उसके बाद हमारे पास है वेपराइजेशन, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। वेपराइजेशन में हम क्या करते हैं कि लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। जब कोई शायद वेपर्स में कन्वर्ट हो रही होती है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा अ लार्ज चेंज इज अक्कर इन द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं उनमें जो चेंजिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो दैट्स वाई यहाँ पर जो इनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो हीट ऑफ फ्यूजन से ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्यूजन में जस्ट सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, एंड इन वेपराइजेशन आ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एंड लार्ज देर इज अ लार्ज चेंज इन द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज में जिसकी वजह से वेपर्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेन हीट इज गिवन या हीट इज रिलीज और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, जब सिस्टम इनर्जी को खारिज करेगा या इनर्जी को जज़ब करेगा, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रख दें और आप सिस्टम को हीट दें जिसमें से वो डेल्टा एच को क्या कर ले, थोड़ी सी मिकदार को जज़ब कर ले, और जज़ब करने के बाद उसमें जो कन्वर्जन आएगी उसको हम कह देंगे कि इसकी स्टेट में जो चेंजिंग आई है वो है फेज ट्रांजिशन। तो मैंने यहाँ पर यही बात लिखी है कि ट्रांजिशन टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर विद द एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ हीट। मतलब आपने हीट तो क्यों दी है, उसमें से जो एब्जॉर्ब वैल्यू है हम कह देते हैं कि बेसिकली क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो मैं यहाँ पे डेल्टा एच के फॉर्म में इसको लिखूंगा। तो अब यहाँ पे एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल आएगा आपके पास, ये पीछे भी मैंने बताया कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस विद रिस्पेक्ट और डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, ट्रांजिशन का मतलब है कि आपके पास सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड, सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बना रहे। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डेल्टा एच ट्रांजिशन।
मतलब द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एब्जॉर्ब या विच इज रिलीज एंड आफ्टर द एब्जॉर्प्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ हीट ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, उसे मैं कहूँगा हीट ऑफ ट्रांजिशन, जिसकी वजह से सिस्टम में बिगाड़ आया है उसको मैं कहूँगा हीट ऑफ ट्रांजिशन और डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स टेम्परेचर। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन की एग्जांपल है कि मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस में जस्ट हम क्या करते हैं, हम आइस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। जस्ट आपने लिक्विड लिया और लिक्विड को आप सॉलिड लिया, मतलब आइस है और आपने उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया है, आपने स्टेट को चेंज किया है। यहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा तब्दीली तो नहीं आएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में, लेकिन जो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना है, जो आइस का लिक्विड में कन्वर्ट होना है, उसके लिए एनर्जी दरकार है। और जब ऐसे सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज़ पॉजिटिव, तो जो सिस्टम की एंट्रोपी होगी वो पॉजिटिव होगी क्योंकि एनर्जी में इजाफा हो रहा है, सिस्टम एनर्जी को जज़ब कर रहा है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने लिखा कि एंट्रोपी चेंज फॉर हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब फ्यूजन प्रोसेस के लिए वो क्या था हमारे पास क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, यहाँ पे मैंने लिखा टी एम। ये जो है हमारे पास बेसिकली मेल्टिंग टेम्परेचर है जिस पर जाकर जो सॉलिड है वो मेल्ट हो रहा है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ऊपर सर ने लिखा है क्यू रिवर्सिबल ओवर टी और यहाँ लिख दिया टी एम, तो जस्ट मैंने बताया कि भाई ये वो टेम्परेचर है जो मेल्टिंग पॉइंट पे हमें अचीव हुआ है। तो इसको मैं यूँ लिखूंगा यहाँ पे डेल्टा एच ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन क्या हुई है कि आपके पास जो सॉलिड है वो मेल्ट हो गया, मतलब फ्यूजन हुई है, फ्यूजन। इसलिए मैंने क्या लिखा डेल्टा एच एफ इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स क्या था टी एम टेम्परेचर एट मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरी अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो वो मैं लूंगा वेपराइजेशन की। वेपराइजेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास होता तो लिक्विड है और स्टूडेंट्स आप लिक्विड को कन्वर्ट कर देते हैं वेपर्स में, लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना। जब आप लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो चेंजिंग होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। इन अगर इन दोनों को प्रोसेस को कंपेयर किया जाए, फ्यूजन को और वेपराइजेशन को, तो जो वेपराइजेशन वाला प्रोसेस है इसमें एंट्रोपी में चेंज ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज लार्ज चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेक्स प्लेस व्हेन अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। आप एक चीज़ की शनाख्ती खत्म करने जा रहे हैं, लिक्विड फॉर्म से वेपर्स बनाने जा रहे हैं, वो बाद की बात है कि आप उसको कंडेंस करके दोबारा लिक्विड बनाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर मैंने लिखा था क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, मतलब हीट अब्जॉर्ब इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, हीट अब्जॉर्ब इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस और रेशियो डिवाइडेड बाय मैंने इसको क्या कर दिया टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा क्यू रिवर्सिबल ओवर टी बी, यहाँ पर मैंने कहा था टी एम टेम्परेचर एट मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर मैं कहूँगा टी बी टेम्परेचर एट बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से टेम्परेचर है। तो यहाँ पर हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच वेपराइजेशन, ये जो ट्रांजिशन है, मतलब यहाँ पे जस्ट जो आपने लफज लिखा था ट्रांजिशन, यहाँ पे ट्रांजिशन क्या थी फ्यूजन, यहाँ पे ट्रांजिशन क्या हो रही है वेपराइजेशन कि आप वेपर्स बना रहे हैं, ये ट्रांजिशन हुई है, मतलब ये स्टेट में जो बिगाड़ है वो वेपराइजेशन की फॉर्म में है। तो हम कहेंगे डेल्टा एच वेपराइजेशन ओवर टी बी, मतलब हीट ऑफ वेपराइजेशन और यहाँ पे टी बी क्या है टेम्परेचर एट अ बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं और बता दूँ कि कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज होती है और मतलब उनके लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, और कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें जो आपके पास एंट्रोपी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी नेगेटिव होगी, मतलब वो हीट क्या कर रहे होंगे रिलीज कर रहे होंगे और कुछ में हीट क्या हो रही होगी एब्जॉर्ब होगी। तो कुछ प्रोसेस हैं लाइक मेल्टिंग वेपराइजेशन, दीज इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये प्रोसेस तब होते हैं जब एनर्जी जज़ब करते हैं, जब हीट को जज़ब करते हैं, तो इनके लिए जो इंथैल्पी की जो एंट्रोपी की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी पॉजिटिव, एंड सच अ सिस्टम आर यूज टू इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, ये वो हैं जो सिस्टम की एंट्रोपी को बढ़ा रहे हैं। और कुछ प्रोसेस ऐसे हैं स्टूडेंट्स लाइक फ्रीजिंग लाइक कंडेंसेशन, देखिए फ्रीजिंग में आप किसी शय को ठंडा कर रहे हैं, आप लिक्विड से सॉलिड बनाने जा रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं फ्रीज कर रहे हैं किसी शय को, कंडेंसेशन में आप क्या करते हैं वेपर से लिक्विड बनाते हैं फिर लिक्विड से सॉलिड बन सकते हैं, मतलब ये फ्रीजिंग हो रही है, एनर्जी जो है वो उल्टा रिलीज हो रही होती है रिएक्शन में। तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस लाइक फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन इन्वॉल्व द एवोल्यूशन ऑफ हीट,
सो फॉर सच प्रोसेस डेल्टा एस इज नेगेटिव, तो इनके लिए जो इंट्रोपी का चेंज होगा स्टूडेंट्स वो नेगेटिव होगा और ये सिस्टम इंट्रोपी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक इंट्रोपी, और इसमें कोई आप लोगों को स्टूडेंट्स प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे पर्सनल नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।